अच्छा स्टूडेंट, सॉरी यार, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? बड़ी छोटी हो गई, छोटी क्यों हो गई? जी सर, वो यार बस आपको पता ही, कराची में पानी के क्या इशू थे, पुरानी बोरिंग है वो सब खत्म हो रही है, तो बोरिंग वाले आए हुए थे, उनसे डीलिंग करनी थी। ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। अच्छा सुन रहे तो। अच्छा भाई, यस सर, गुड। देखो, हम यहाँ तक पहुंच गए थे मेरे भाई के, हो सकता मुझे फिर बीच में जाना पड़े, खैर उन्होंने मुझे अभी 1 घंटे का टाइम दिया, 1 घंटे के बाद वो मशीन मशीन लेके आएंगे, तो फिर वो बोरिंग शुरू करेंगे, पानी जाने का बड़ा मसला है। अच्छा जी, तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि हमने A2 A1 से निकले हैं, A1 से निकल के A2 को हिट किया। A2 की अभी दो जॉब परफॉर्म होना बाकी है, AP2 और A1। लेकिन पहले जो है, देखो सीक्वेंशियल ऑर्डर में, A1 जॉब परफॉर्म हो गई, ठीक है, ये वाली। अब इसके अगेंस्ट में ये वाली जॉब P2। P2 का मतलब ये हुआ कि जब वो यहाँ से जाएगा तो P2 कोई कॉल तो है नहीं, P2 तो जॉब है, तो इसका मतलब है 2 प्रिंट करेगा। तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भी दिया था, 1 2 तो आ गया। उसके बाद यहाँ से अब A2 के पास दोबारा आया, लेकिन एक तीसरी जॉब तुम्हारी क्या है? तीसरी जॉब के लिए जब वो नीचे आया तो यहाँ पर आके A1 को हिट किया। A1 का मतलब, अच्छा, P2 के बाद A1 कॉल की, तो A1 का मतलब है A1 दोबारा जिंदा हो गया, और यही इसी जगह को, अभी ये वाली स्टैक की जगह खाली है, यहाँ तक भरी हुई है, तो A1 जो है वो दोबारा से स्टैक में पुश हो जाएगा। तो मैं, याद है मैंने क्या कहा था कि सेम डेप्थ पे कॉल होने वाले रिकर्सिव कॉल स्टैक में सेम पोजीशन पे जाते हैं, निकलेंगे बाहर जाएंगे फिर आ जाएंगे फिर उसी जगह पे आएंगे। A2 हमेशा इसी जगह पे, क्योंकि सेम डेप्थ है, A2 A2 हमेशा इसी जगह पे आएगा, A1 हमेशा इसी जगह पे आएगा, क्योंकि सारे A1 सेम डेप्थ पे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ डेप्थ पे, रिकर्सिव कॉल को नहीं कह रहा, सेम डेप्थ पे रिकर्सिव कॉल जो होंगे वो बेसिकली सेम स्टैक पोजीशन पे होंगे। तो अब ये A1 जो है वो जिंदा हो गया दोबारा, ठीक है, ये रेड से इसीलिए कर दिया मैंने इसको, तो ब्लड आ गया। तो अब ये जो है बेसिकली आगे बढ़ेगा और कहेगा A1 के अगेंस्ट में A0, तो A0 कॉल तो होगा, तो A0 फिर जाएगा और A0 भी जिंदा हो जाएगा दोबारा से। A0 जिंदा हो गया, और A0 के जिंदा होने पे A0 ने कुछ करना तो है नहीं, तो लिहाजा वो फाइनली बाहर निकल जाएगा। तो इससे बाहर निकल गया, इसको कट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद ये A1 के पास आएगा, देखें टॉप ऑफ द स्टैक A1 है, इसकी दूसरी जॉब परफॉर्म करेगा तो दोबारा 1 प्रिंट करेगा। तो ये किसी ने जवाब दिया था बिल्कुल ठीक, A1 दोबारा प्रिंट होगा और यहाँ से जाएगा और फिर A0 के पास दोबारा जाएगा, फिर A0 जिंदा होगा, बाहर निकल जाएगा स्टैक की पोजिशन में, A0 आएगा और फाइनली A1 से बाहर निकल रहा होगा। फाइनली A1 से बाहर जब निकल रहा होगा तो ये A1 भी स्टैक से बाहर निकल जाएगा। तो अब A2 रखा हुआ और यहाँ पर A2 पे हिट करेगा, और A2 की देखें, लेफ्ट जॉब, मिडिल जॉब और राइट जॉब सारी हो गई, तो A2 की इस ब्रांच की वजह से 1 to 1 प्रिंट हो गया, A2 की इस ब्रांच की वजह से A1 to 1 प्रिंट हो गया, और फिर ये जाके A3 के पास जाएगा। A3 ने कहा मेरी लेफ्ट ब्रांच प्रिंट हो गई, क्योंकि A3 की लेफ्ट ब्रांच A2 थी। अब जाओ, क्योंकि अब A2 से जब फाइनली बाहर निकल रहे होंगे मेरे भाई, तो A2 भी तो स्टैक से बाहर निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे A3 बचेगा। तो A3 जो है वो बेसिकली कहेगा कि जाओ उसकी दूसरी जॉब कौन सी, P3, तो प्रिंट हो जाएगा थ्री, थ्री प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फिर जाएगा राइट साइड, और सिमिलर प्रोसेस करेगा, क्योंकि ये वाला जो मैंने लेफ्ट पे प्रोसेस किया है वही प्रोसेस राइट पे है, तो दोबारा से 1 to 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 to 1। तो आपके पास फाइनली ये प्रिंटिंग में आ जाएगा कि 1 to 1 3
फिर एक दफा और दोबारा पढ़ लिया। तो ये जिन्होंने बताया था वो सही बताया सर, ए जीरो जिंदा करने की जरूरत है जी। देखो हम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन कंपाइलर हमेशा रिकर्सिव कॉल को स्टैक में डालता है तो वो दोबारा से लाइव हो जाता है और उसकी जो ड्यूटी होती है वो करता है। अगर उसकी ड्यूटी नथिंग है तो नथिंग करेगा, उसकी ड्यूटी है कि कुछ रिटर्न करना है तो रिटर्न करे, समटाइम रिटर्न करना होता है तो रिटर्न करेगा। तो इस तरह से हमें उसको अभी तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। अभी हम जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखेंगे ना मेरे भाई, तो उसमें ए जीरो को काम करना होगा, तो क्योंकि इसकी जिंदगी तो वेस्ट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर हम ए जीरो से कोई काम नहीं ले, लेकिन आगे लेंगे, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस वाले एल्गोरिथम में नहीं ले रहे लेकिन आगे लेंगे, ठीक है। फैसल फैसल नहीं साथिल, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कंपाइलर की ड्यूटी को छोड़ दूं, बोलूंगा ठीक है हम अपनी आसानी के लिए इस वक्त इस एल्गोरिथम में छोड़ते हैं, अलग बात है, लेकिन कंपाइलर नहीं छोड़ रहा होगा, कंपाइलर उसको जरूर स्टैक में डाल रहा होगा, ठीक हो गया। अच्छा सवाल था, तो ये बेसिकली आउटपुट आ जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा किस तरह से हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। जिन्होंने सही बताया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सही नहीं बताया उनके लिए ये बात के ट्री से अगर आप करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। फिर एक बात और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इट इज नॉट एसेंशियल के ऑल रिकर्सिव कॉल शुड बी सेम, देयर शुड देयर माइट बी एन माइनस वन और देयर माइट बी एन। अगर आप फिबोनाची सीरीज, अगर हमें टाइम मिल गया आज पढ़ने का, आज थोड़ी डिस्टर्बेंस रही क्लास में, तो अगर फिबोनाची सीरीज हम पढ़ते हैं तो इसमें एक एन माइनस वन है और एक एन माइनस टू है, और बहुत इंटरेस्टिंग उसकी जो है रिकर्सिव कॉल है, तो हम देखेंगे किस तरह कॉल होता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसके बाद इस वाले को भी मैं डिलीट करता हूँ, कट करता हूँ, और अब क्लियर करके एक और एल्गोरिथम लिखता हूँ थोड़ा सा चेंज करके। वो एल्गोरिथम ये है कि ए ऑफ एन, ठीक है, उसके बाद हमने कर ली ब्रैकेट और हमने कहा ए ऑफ एन माइनस वन, इफ नहीं लगाया मैंने ताकि वो बाहर तो आए ना, इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो देन, ठीक है, देन, और ये आ जाएगा ए ऑफ एन माइनस वन। अब इंटरेस्टिंग देखिए क्या हो रहा है, ए ऑफ एन माइनस वन, और अगेन मैं अभी रिकर्जन को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगेन ए ऑफ एन माइनस वन, दो रिकर्जन एक साथ कॉल कर ली, और फिर मैंने कहा प्रिंट ऑफ एन, प्रिंट ऑफ एन कर लो, और उसके बाद फिर यहाँ पर एंड इफ कर लो, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो ये कर लो, ठीक है। अब अगर कोई आपसे थ्री तो मैंने आसानी के लिए रखा हुआ, मतलब आप ए फोर भी पूछ सकते हैं, लेकिन थ्री में जरा ये होता है कि रीजनेबल ट्री बन के आपको समझ आ जाती है। ए थ्री का क्या आउटपुट होगा जी भाई, आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ ए थ्री। अब ए थ्री का क्या आउटपुट होगा जी सर, तुक्के लगाओ, सही बताओ क्या होगा। लास्ट टाइम मेरे ख्याल जिसने सही बताया था वो दोबारा सही बता दो। अब थोड़ा फर्क है ना, अब प्रिंट की जॉब आखिर में हो गई, दो रिकर्सिव कॉल है, तो दो रिकर्सिव कॉल होंगी उसके बाद प्रिंट होगा, तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये मैं आपको दे दूं टास्क, आप इसकी ट्री बना लोगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। वन वन टू, वन वन टू थ्री, सच्ची बात है कि मैं भी इसको जब तक ट्रेस नहीं करूंगा, बगैर ट्री के ही ट्रेस ना करूं बता नहीं सकता, लेकिन आंसर सही लग रहा है फैसल। अच्छा पीसी पे चेक कर लिया तुम यार, स्क्वाडो किस पे, पाइथन पे क्या, सी शार्प पे क्या, ये ना करो यार, खुद से ट्रेस करोगे तो अच्छा होगा, पीसी पे तो बाद में चेक करो, ठीक है फैसल। पीसी पे जब करो जब तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि तुम, क्योंकि तुम जो है वो क्या बना रहे हो। अच्छा है, चेक हो गया, तुम्हें कन्फर्म हो गया, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पीसी पे कोड भी लिख लिया इसका, पाइथन पे लिखा था और अच्छा है, सी शार्प पे लिखा था भी सही। अच्छा मेरे भाई, अगर हम इसी को यूं चेंज कर लें कि अनदर एल्गोरिथम इज ए ऑफ एन, ठीक है ना, एक कर्ली ब्रैकेट, फिर ए ऑफ, सॉरी, प्रिंटिंग जॉब ऑफ एन, ठीक, अरे यार, प्रिंटिंग जॉब ऑफ ए ऑफ एन, a of n minus 1, फिर a of n minus 1, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं if लगाना भूल चुका हूँ, if पे लगा देते हैं, if n is greater than 0 then, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ, and if g
ठीक हो गया। अब मैं कहता हूं यहाँ पर इसकी ये भी, अब बताइए फैसल तो बता ही देगा इसने कोड लिखा हुआ है इसका, इसकी तुम बता दो ताकि हमें भी कंफर्म हो जाए क्या आंसर होगा। बाकी लोग बताओ कि क्या आंसर आना चाहिए, चेंज होगा नहीं होगा, पहले तो बताओ। ऊपर वाले से चेंज है तो चेंज आएगा आंसर। तो अब आपको देखें, मैंने जो कहा था ना कि इसकी कुछ पैटर्न्स हैं, अगर आप इन पैटर्न को एक दफा ट्रेस कर लोगे ना तो बाकी में आपको परेशानी नहीं होगी। जो दूसरे एल्गोरिथम में एनालाइज करने जाऊंगा उसमें परेशानी नहीं होगी कि मैं रिकर्सिव में परेशान हो रहा हूँ, मुझे रिकर्सिव मुश्किल लग रहा है। तीन चार पैटर्न है, ठीक है। हाँ, उम्मीद तो ये कि रिवर्स में आएगा। तो ये मिसाल के तौर पर एक रिकर्जन कॉल हो रहा है तो उसमें जॉब पहले है, रिकर्जन बाद में है, या रिकर्जन पहले है जॉब बाद में है। दो रिकर्जन कॉल हो रहा है तो जॉब पहले है रिकर्जन बाद में है, या जॉब बीच में है, या फिर पहले जॉब है फिर रिकर्जन है। इस तरह की कुछ पैटर्न है जो आपको याद कर ले, ट्रेसिंग बनाना हमारे लिए आसान है। आइए इसके बेसिस पे मेरे भाई, क्योंकि ये तो एक जर्नलाइज था ना, अब हम इसके लिए ये एल्गोरिथम चलाते हैं। देखिए एल्गोरिथम में क्या लिखा हुआ है, एड इंटीजर आई इंटीजर जे, ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो तो रिटर्न कर दो जे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि आई जीरो हो जाए तो जे रिटर्न कर दो इफ में, और एल्स में इन्होंने कहा है, जिन्होंने अभी सवाल पूछा था ना सागिल, अभी मैं इसको ट्रेस करूंगा तब, और रिटर्न में कहा है कि एड आई माइनस माइनस आई और प्लस प्लस जे, यानी दोबारा से एड का फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है। मैं अगर यहाँ ये करता हूँ भाई, अच्छा देखो इसमें जे बढ़ रहा है आई कम हो रहा है तो आई पे चेक लगा हुआ है, जो कम हो रहा होगा उस पे चेक लगा हुआ है ना, जे तो ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। जरा सा ऑब्जर्व करो, यानी अगर मैं इसको लिखता हूं कि मुझे एक एड ऑफ 3.5 को चलाना है तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या होगा इसका, ठीक है, इसकी ट्रेसिंग करनी है। अरे क्या हो गया, ये इसकी ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि सबको आनी चाहिए, कोई इशू नहीं है, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है, दो ट्री बन रही है, ट्री के दो ब्रांचेस बन रही है, दो बनाओ, एक बन रही है एक बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ट्रेसिंग करनी है, यहाँ पर रिकर्जन के साथ कोई और दूसरी जॉब नहीं है। ये जब कॉल होता है तो इसकी रिकर्जन के साथ कोई दूसरी जॉब कॉल नहीं होती, सिर्फ ये रिकर्जन, तो एक ब्रांच बनेगा, ठीक है, रिकर्जन की ब्रांच बनी। यानी जब एड कॉल हुआ तो दूसरा रिकर्जन जो कॉल हो रहा है, जो इसके नीचे है, क्योंकि दूसरी कोई जॉब ही नहीं है, पहले चेक होगा, पहले वाला आई है, आई जीरो के बराबर है, आप कहेंगे नहीं बराबर है, तो आप कॉल कर लेंगे एड, ठीक है। और क्या कॉल करेंगे, देखें नीचे वाले में देखें क्या लिखा हुआ है, माइनस माइनस आए यानी 2, प्लस प्लस जे यानी 6, समझ में आया क्या कहा मैंने, ठीक है। और एक ही ब्रांच है, कोई दूसरी जॉब है ही नहीं, तो हम दूसरी जॉब की फिक्र ही नहीं करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि जैसे ही ये कॉल आउटपुट नहीं आया, ये वाली आउटपुट रिटर्न नहीं मिला, तो जैसे ही ये जॉब खत्म होती है तो अगली जॉब की तरफ जाएगा, प्रिंटिंग की कोई जॉब ही नहीं है तो यहाँ पे आएगा। फिर कह रहा है एड, एड का मतलब ये हुआ कि एड, और अब यहाँ कॉल करो 1.7, ठीक हो गया, 1.7 अभी तक ट्रू है, आई की वैल्यू 1, आई 0 के बराबर नहीं है, आई 0 के बराबर नहीं है तो एल्स पे चला जाएगा। एल्स का मतलब है दोबारा से जॉब कॉल करो, दोबारा से रिकर्जन, जॉब का मतलब है रिकर्जन भी एक जॉब ही होती है, रिकर्जन कॉल करो, रिकर्जन के पास गया और रिकर्जन पे रिकर्जन को कॉल करने गया, फिर इसने कहा एड 0.8 जो है वो हमने चलाया, तो 0.8 चला, तो 0.8 का मतलब ये हुआ कि अब वो आई जीरो लेके जा रहा है। जैसे ही अच्छा ट्रेसिंग क्या हो रही, कोई मसला ही नहीं है, ट्रेसिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसकी, तो इसकी ट्रेसिंग स्ट्रेट है, ऐसे बस ये स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है, कोई दूसरी जॉब का बात ही नहीं हो रही कि कोई होल्ड हुआ होगा, बेसिकली ये जाएगा और वापस आ जाएगा इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जॉब यानी अगर मैं इसकी ट्रेसिंग कराऊं ना इसमें, तो आप कहेंगे पहले जो है वो एड आया होगा, और ये एड जो है आया होगा 3.5 का होगा, फिर उसके बाद दूसरा एड आया होगा, क्योंकि ये जॉब परफॉर्म तो हुई नहीं ना, इसने कॉल कर लिया, दूसरा 2.6 का आया होगा, फिर तीसरा एड आया होगा, और एड जो है 1.7 का आया होगा, सॉरी फॉर राइटिंग, फिर एक एड आया होगा, और ये एड जो है 0.8 का। देखो ये जब जाएगा ना, अब तो तुम पूछ रहे थे ना
साजिद अब समझना कि जब वो यहां से करते 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 देखो एड 0.8 भी किया है, जैसे ही आएगा तो इसने कहा अगर i 0 के बराबर हो जाए, हाँ हो गया, तो रिटर्न j करो। देखो अब इसके ड्यूटी है कि रिटर्न करे, कोई जॉब परफॉर्म करे, ऐसी फालतू में नहीं है ये। अब तो इसका मतलब है ये यहाँ से फाइनली बाहर निकल रहा है, तो उसको बाहर निकाल देंगे। समझ में आई बात? फाइनली इससे क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, और j का आंसर जो है वो प्रिंट कर देंगे, यानी प्रिंट हो जाएगा 8। और फाइनली यहाँ पे इसकी एक जॉब थी वो सॉल्व हो गई, तो ये से बाहर निकलेंगे तो उसको बाहर। इसकी जॉब ये थी कि 8 को सॉल्व करना है, कर दिया सॉल्व और ये बाहर निकल, ये खुद कुछ प्रिंट नहीं कराएगा, इसके अगेंस्ट में इसने प्रिंट करा दिया। फिर ये यहाँ से बाहर निकला, ये वाला ड्यूटी इसके पास गया, इसकी जॉब थी 1.7 को प्रिंट कराओ, 1.7 को कॉल करो, कर लिया इसने, इसके अगेंस्ट में जो जॉब थी प्रिंट हो गई और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ये दोनों बाहर चले जाएंगे और सिर्फ 1.8 जो है प्रिंट हो जाएगी। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर आपको ट्रेसिंग आ जाती है तो फिर आपके लिए इसमें कोई इशू नहीं है कि मैं किस रिकर्जन को ट्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ ये इशू है कि मुझे आता हो, घबराहट ना हो कि मैं कैसे करूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक जॉब। और अब आइए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दी, इन्होंने भी यहाँ पे समझाया बगैर ट्री के कि ऐड होगा 3.7, इन्होंने 3.7 कॉल किया, तो 2, 8, 1, 9, 0, 10 और 10 फाइनली प्रिंट, क्योंकि ये ट्रेसिंग से जो है इस पे ये फेल होगा। फेल होने पे इसने कहा जिस वक्त फेल हो उस वक्त का जे प्रिंट करो और फिर रिटर्न बैक कर दो, ये तुमने अपनी जॉब परफॉर्म कर, इनकी अगेंस्ट में कोई और जॉब थी नहीं, लिया जाए बाहर आ गई। ठीक हो गया, तो हमें नहीं सोचना कि ये क्यों नहीं कर रहा। अब मिसाल के तौर पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमें लिख फैक्टोरियल, अच्छा नॉर्मली ऐसा होता है कि जो प्रोग्राम हम नॉन रिकर्जन यानी इटरेटिव, जो रिकर्जन नहीं होता उसको इटरेटिव कहते हैं। यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए कि दो तरीके के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है आप कहते हैं इटरेटिव बेस प्रोग्रामिंग और दूसरा आप कहते हैं रिकर्सिव बेस प्रोग्रामिंग। ठीक है, इटरेटिव बेस प्रोग्रामिंग और रिकर्सिव बेस प्रोग्रामिंग, समझ में आ गई बात? ये इस बेसिस पे इटरेटिव बेस में ये होता है कि इटरेशन जो है वो आप जब यूज करते हैं तो उसमें फॉर या व्हाइल के लूप यूज करते हैं, और जब रिकर्जन यूज करते हैं तो लूप यूज करते हैं लेकिन विदाउट फॉर और। इसके अंदर नॉर्मली हम लोग फॉर और व्हाइल यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें जो है वो हम लोग लूप यूज करते हैं विदाउट फॉर एंड। लूप होता है विदाउट फॉर एंड व्हाइल। मोटर चलाई, ठीक हो गया, या तो बात समझ आ रही? तो ये हमारे पास आ गया, अच्छा जी ठीक है, ये अभी हम रिकर्सिव पे हैं। तो जो प्रोग्राम नॉर्मली इटरेटिव लिखे जा सकते हैं उनको रिकर्सिव पे लिखा जा सकता है, तो रिकर्सिव पे हैं वो इटरेटिव पे भी जा सकते हैं। तो हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम अपने फंडामेंटल में ग्रुप में या जहाँ भी किया होगा वो हमने इटरेटिव किया होगा, उसको हम फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हम रिकर्सिव करना चाहते हैं। ठीक है, क्या आपको दूँ, कर लोगे या मैं करा दूँ? करा देता हूँ। ये जो इतना फॉर्मल तरीके से लिखा हुआ ना, इसकी ये फॉर्मेलिटी कहलाती है। इसमें शुरू हो रहा है यहाँ से नंबर लाइन नंबर 1 से, फैक्टोरियल फंक्शन का नाम है, मैंने ये रिकर्सिव में लिखा है, आप इसके इटरेटिव भी लिख लीजिएगा। नॉर्मली हम लोग तो पहले इटरेटिव भी लिखते थे, अब ये रिकर्सिव में है तो रिकर्सिव देख लेते हैं कैसे कॉल हो रहा है। तो बल्कि ये जो प्रोग्राम है ये इटरेटिव है, ये इटरेटिव है। आपको नजर ही आ रहा होगा कि कोई और फंक्शन फैक्टोरियल का कॉल नहीं हो रहा, तो ये कौन सा फंक्शन है और लेकिन लूप कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, फॉर का। तो फॉर के लूप को हम क्या कहते हैं, इटरेटिव बेस प्रोग्राम, इटरेटिव बेस एल्गोरिथम। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो इंशाल्लाह तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये फिर हम इसका रिकर्सिव भी लिख लेंगे। देखें ये इटरेटिव है, फैक्टोरियल का मतलब तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है, आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं, यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। इफ यू हैव 4 फैक्टोरियल इट मीन्स वी नीड टू फाइंड 4 × 3 × 2 × 1। ये सब प्रोग्राम तो आप पाइथन पे खुद बना लो ना। अच्छा कुछ लोग समझते हैं 4 दिया है तो 4 से ही शुरू करेंगे और लेफ्ट जाएंगे, हम 4 से शुरू कर रहे हैं तो हम 4 को आखिरी एलिमेंट 1 से शुरू करके भी 4 पे आ सकते हैं। लूप को उल्टा चलाना ही जरूरी नहीं होता, लूप को सीधा भी चला सकते हैं।
फोर का मतलब फोर तक जाना है, तो वन से फोर तक चले जाओ या फोर से वन तक आ जाओ। तो ये हम थोड़ा स्मार्टली इसको देखें कि हम हमेशा फोर से वन पे क्यों जाए, वन से फोर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे शायद यही किया। हमने कहा कि अच्छा अब क्यूमुलेटिव मल्टीप्लाई, वन को टू से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया उसको थ्री से किया, फिर जो रिजल्ट इन तीनों का आया उसको फोर से, तो इसको कहीं स्टोर करना होता है। उसने कहा एन जीरो है और फैक्ट वन है। फैक्ट का मतलब होता है जिसमें डेटा स्टोर करेंगे टेम्पररी। तो अगर मल्टीप्लीकेशन का डेटा स्टोर करना होता है तो उसको वन करते हैं, और अगर एडिशन का डेटा स्टोर करना तो जीरो करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा अगर एन जीरो है तो आप रिटर्न कर देंगे, ठीक है, क्या रिटर्न कर देंगे, फैक्ट वन सेट कर देंगे। अगर एन जीरो, और सुनना, अगर एन यानी किसी ने यहाँ से फैक्ट के प्रोग्राम से जीरो पास किया तो आपको पता है ना जीरो का आंसर क्या होता है, जीरो का आंसर वन होता है फैक्टोरियल में। तो उसने कहा फैक्टोरियल जो है वो वन हो जाएगा और रिटर्न कर दो, यानी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सेट फैक्टोरियल अगर वन है, सेट फैक्टोरियल को हमने क्या से, अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ये फेल हो रहा है, तो फिर आपने फैक्टोरियल क्योंकि रिटर्न नहीं हुआ तो आप यहाँ एल्स भी लिख सकते थे गालबन, आप अच्छा करके लिख लेना इसको। तो फिर आप फैक्टोरियल को वन इनिशियलाइज करेंगे ताकि ये टेम्परेरी डेटा स्टोर करे, यानी क्यूमुलेटिव मल्टीप्लीकेशन को स्टोर करे, और आप चले गए रिपीट में। रिपीट लिखो ना लिखो फोर जरूर लिखना, वन टू एन तक जाओगे। देखो सीधा लिखा है मैंने वन टू एन तक, फोर टू वन नहीं लिखा। और फिर लिखा फैक्ट के इंटू फैक्ट, के इंटू फैक्ट का मतलब क्या हुआ, अब जरा देखिए। मैंने कहा फोर का फैक्टोरियल निकालो, फोर का फैक्टोरियल निकालो, समझा देता हूँ, एक मिनट लगेगा। तो शायद बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, मैं आप कह रहे हैं क्या बोरिंग चीज पढ़ा रहे हैं, हमें आता है, कोई बात नहीं, रिपीटेशन को रिपीटेशन बोलता हूँ, क्या कहते हैं उसको, रिविजन हो गया। तो ये तो फेल हो गया क्योंकि एन जीरो नहीं है, तो फेल हो गया। फैक्ट में वन चला गया, इसने कहा के वन से फोर तक चलाना है अब हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, बार बार फैक्ट में डेटा अपडेट हो रहा होगा, के की वैल्यू पहले वन आई, फोर से मल्टीप्लाई हुई, ठीक है ना। तो ये हो गया फैक्ट के अंदर वन है, तो ये फैक्ट के अंदर वन आने से क्या हुआ, के इज इक्वल टू वन, वन इंटू वन वन आ गया, फैक्ट में दोबारा वन आ गया, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। फिर दोबारा लूप में किया, के की वैल्यू टू हो गई, यानी ये वाला टू ले लिया, और टू को फैक्ट से मल्टीप्लाई किया, यानी टू मल्टीप्लाई बाय वन, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो टू वन जो टू यानी टू हो जाएगा। फिर दोबारा क्या, थ्री लिया इसने, थ्री, और थ्री लेने के बाद इसने थ्री इंटू फैक्ट किया, थ्री को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के रिजल्ट से, तो इन दोनों का रिजल्ट यानी टू, तो थ्री इंटू फैक्ट यानी टू, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा सिक्स, तो ये सिक्स हो गया। ये भाई सिक्स का मतलब हो गया यहाँ तक का रिजल्ट सिक्स आ गया। अब उसके बाद दोबारा गया, के की वैल्यू फोर हो गई, फोर को मल्टीप्लाई कर दिया रिमेनिंग रिजल्ट से, तो रिमेनिंग रिजल्ट सिक्स है, तो सिक्स इंटू फोर यानी ट्वेंटी फोर आंसर हो गया, तो ट्वेंटी फोर रिजल्ट आ गया, ये आ गया ट्वेंटी फोर आपका आंसर। तो ये बेसिकली नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम है। अब आप अगर रिकर्सिव में जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि मैं लिखा हुआ, वरना मुझे लिखना पड़ जाएगा। ये देखो ये लिखा हुआ, ये रिकर्सिव का एल्गोरिथम है, कहता है अगर एन जीरो है तो रिटर्न, एन जीरो है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। इसमें और ब्यूटी कर सकते हैं, अभी ब्यूटी नहीं बनाई, कि एन जीरो होगा तो वन रिटर्न करो ना भाई, एल्स में ये चलाओ, तो वो सब चीजें अभी इन्होंने नहीं की, तो हम उसमें नहीं पढ़ते अभी। और हम अभी हम जो है बिल्कुल सही लिखा है फाइज तुमने, लेकिन मैं इसको ट्रेसिंग कराना चाह रहा हूँ दूसरों के लिए कि कैसे चलेगा, तो वो अभी समझ में आ जाएगा मैं कैसे चलेगा। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अभी कंडीशन नहीं लगाई, डायरेक्ट फैक्टोरियल बनाया, तो हमने कहा कि अगर जीरो हो जाए तो रिटर्न कर दे, और सेट फैक्टोरियल एन इंटू फैक्ट, ठीक है, सेट फैक्टोरियल कर दिया एन इंटू फैक्ट, और फिर फैक्टोरियल कॉल कर लिया फैक्ट एन माइनस वन कर दिया। तो जैसे तुमने लिखा है ना वही चीज यहाँ पे लिखी है। इनका कहना था कि हम ऐसे ना लिखें बल्कि यूं लिखते हैं एन मल्टीप्लाई बाई फैक्ट, एक ही लाइन में लिखते हैं, इसको मैं काट दूं, इनका कहना यह है। पॉल शॉल इतनी सारी इन्होंने मेहनत की, इसको भी हटा दूं, पॉल शॉल यहाँ से हटा देता हूँ, तो रहेगा ना, पॉल शॉल डाल दो, और फैक्टोरियल को जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम है इससे मैं एन को मल्टीप्लाई कर दूं, इनका कहना यह है, ये भी सही, ठीक है। एन इज इक्वल टू फैक्ट, और ये फैक्ट किस चीज का दिया हुआ है, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये फैक्ट किस चीज का दिया हुआ, ये रिटर्न यानी जिसमें वो जो इफेक्ट था ना इसका लिखा हुआ था, तो अब ये भी हटा दिया मैंने, सिर्फ n पास कर दिया, यहाँ से भी सिर्फ n माइनस वन पास कर दिया, तो ये मैंने सारी चीजें मिटा दी, ठीक है, ये इसको मिटा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे आपके लिए आसानी कर देता हूँ, लाइन नंबर टू मिटा ही देता हूँ, क्या कहते हो, लाइन नंबर थ्री यहाँ लिख दिया मैंने,
ठीक हो गया भाई, ये है हमारा प्रोग्राम। अब आइए इतने से लाइन में हम सबको चला देते हैं। ये फैक्टोरियल खुद अपने आप को कॉल कर रहा है, इसलिए रिकर्जन है, एक कम करके कॉल कर रहा है और उसको पिछले वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे ही हो रहा होता है, हमारा प्रोग्राम भी ऐसे ही होता है कि आप अगर फोर फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फोर फैक्टोरियल जो है, फोर जो है वो थ्री फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है। देखें ये फोर अगर यहाँ से मैंने पास किया है तो फोर मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल ऑफ थ्री से, ऐसे ही होगा ना। और अगर थ्री को कॉल किया मैंने तो फोर मल्टीप्लाई होगा थ्री इंटू टू फैक्टोरियल से, बिल्कुल सही है। ये फोर अभी मल्टीप्लाई हुआ नहीं कि ये कॉल हो जाएगा, और इस तरह करते करते आखिर में जाके मल्टीप्लीकेशन ट्रेसिंग करें, इसकी ट्रेसिंग करते हैं कि किस तरह ये चलेगा। मैं छोटी सी ट्रेसिंग करा देता हूँ कि अगर मैं फैक्टोरियल को एफ ए सी लिख रहा हूँ या एफ ए सी करके मैं सॉल्व करूँ बड़ा पूरा फैक्टोरियल एफ ए सी ऑफ फोर, राइट। अब देखिए इसके अगेंस्ट में वो कह रहा है कि पहले एक एन है यानी फोर है, और अगर चाहो तो मल्टीप्लीकेशन को अलग ब्रांच में लिख लो, और सेम लेवल पे यानी एन है फिर मल्टीप्लाई है, और फिर सेम लेवल पे आप जो है वो फैक्ट ऑफ थ्री कॉल करेंगे। यानी ये वाला पूरा का पूरा जो डेप्थ है ये जब तक ये नहीं आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब थ्री को जब सॉल्व करेंगे तो ये कहेगा कि आप जो है वो फैक्ट ऑफ, ठीक है, फैक्ट ऑफ टू और फिर मल्टीप्लाई, सॉरी मैं गलत कह गया, ठीक हो गया, सॉरी थ्री मल्टीप्लाई और फैक्ट ऑफ टू कॉल कर ले, जो समझ नहीं आया पूछ लेना भाई, फैक्ट ऑफ टू कॉल कर ले, ठीक। उसके बाद फिर फैक ऑफ टू पे जाएंगे तो फिर टू मल्टीप्लाई, ठीक है, और फैक ऑफ वन कॉल कर लें, फैक ऑफ वन। ये जो इस लिखा है ना, ये हम बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं इसके लिखने के बाद। उसके बाद आप कहें कि वन मल्टीप्लाई और फैक ऑफ जीरो, और फैक ऑफ जीरो पे रिटर्न करें, और क्या रिटर्न करें, यहाँ पे मैं कह देता हूँ फैक ऑफ वन और रिटर्न वन, ठीक है, फैक ऑफ जीरो पे रिटर्न वन होता है। मैंने इसको सही लिख दिया, सही कर दिया एल्गोरिथम को, तो यहाँ पे मैं इसको भी थोड़ी देर बाद परमानेंटली टाइप कर दूंगा। अच्छा जी, एफ ए सी है ये, एफ ए सी, ठीक हो गया। अब आइए ट्रेसिंग की तरफ, कोई मसला ही नहीं है। आपने कहा पहले एफ ऑफ फोर कॉल हुआ, एफ ऑफ फोर की तीन जॉब है, फोर मल्टीप्लाई बाय, तो आपने कहा भाई मैं तो कर नहीं सकता, तो एफ ऑफ फोर को मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, एफ ऑफ फैक्ट अपने फोर को स्टोर कर लिया, और ये इंतजार कर रहा है इसके रिजल्ट का। फोर इंटू सॉल्व होगा, जब सॉल्व होगा ये आगे हमारे पास हैंड में, लेकिन सॉल्व जब होगा जब एफ ऑफ थ्री मिल जाए, तो एफ ऑफ थ्री कॉल होगा तो एफ ऑफ थ्री को हम स्टोर कर देंगे, ठीक है। फिर ये कहेगा कि ये जब सॉल्व होगा, जब थ्री स्टार जब सॉल्व होगा, जब एफ ऑफ टू आ जाएगा, एफ ऑफ टू आ जाएगा तो आप कहेंगे एफ ऑफ टू को, जब आएगा जब हमें एफ ऑफ वन मिलेगा तो एफ ऑफ टू को डाल देंगे यहाँ पे। फिर कहेगा टू, यानी इसका इंस्ट्रक्शन टू आ चुका है हमारे पास, ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन एफ ऑफ वन की वजह से ये होल्ड करा देंगे, यानी इस सब को होल्ड करा देंगे, क्योंकि एफ वन होल्ड कर गया तो इसके अगेंस्ट में जो जॉब है वो होल्ड, यानी एफ टू होल्ड कर गया तो इसके अगेंस्ट की जॉब भी होल्ड कर गया एफ ऑफ वन। और फिर ये कहता है कि वन को हैंड्स ऑन ले लिया, स्टार को हैंड्स, और एफ जीरो कॉल हुआ, एफ जीरो जाएगा तो, और एफ जीरो के अगेंस्ट में है जॉब क्या, साजिल साहब समझ में आ रहे हैं ना एफ जीरो की इंपॉर्टेंट, वो कह रहे हैं जैसे ही एफ जीरो कॉल हो रिटर्न वन कर दो। अब सुनना गौर से, F0 का रिजल्ट वन कॉल होके मिल गया मुझे, अब ये जॉब कर रहा है कोई, और उसके बाद बाहर निकलना, तो जैसे ही ये वन कॉल करेगा इस हैंड्स ऑन में हमारे पास वन और स्टार मौजूद है, तो वन इंटू वन सॉल्व हो जाएगा, वन इंटू वन जैसे सॉल्व होगा आंसर क्या आ जाएगा वन, और वो आंसर वन जो है वो फैक्ट वन को देगा। तो देखो ट्रेस करते हुए जब यहाँ पहुंचे हम तो यहाँ वन आंसर आ चुका था जैसे, और हम खड़े भी वन पे ही है, देखे यहाँ पे जैसे ही वन आएगा तो हम फाइनली इससे बाहर भी निकल रहे हैं, तो वन इंटू टू टू हो जाएगा, तो इसको आंसर देगा टू, और हम वन से निकल के टू पे भी खड़े हुए हैं, ठीक हो गया। और टू पे जैसे ही जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स, तो अब हम टू से बाहर निकल रहे हैं सिक्स करके, तो ये सिक्स हो जाएगा और टू से बाहर निकल रहे हैं, थ्री पे पहुंच गए, थ्री पे जैसे ही पहुंचे तो थ्री ने आंसर जनरेट कर दिया सिक्स, सिक्स फोर था 24, इसने 24 आंसर जनरेट करके इसको दे दिया 24 करके, जैसे इससे बाहर निकले तो 24 बाहर आ गए,
24 जो है प्रिंटिंग जॉब हो जाएगी, तो रिटर्न करेगा तो 24 आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल का आंसर इस तरह ट्रेसिंग है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ट्रेसिंग अगर हमें आती हो तो हमें कोई दुश्वारी नहीं है कि हम किसी भी प्रोग्राम को ना चला सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टोरियल के कुछ प्रोग्राम थे जो हमने यहाँ पे चलाए और रन किए। अब मैं आपको कुछ और सवाल इसके अभी मैं क्विज में और असाइनमेंट में दूंगा ताकि आप सॉल्व करें। मुझे ट्रेसिंग चाहिए, मुझे ये नहीं देखना कि आपने प्रोग्राम सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। मुझे चाहिए बेसिकली आपसे प्रोग्राम लिखवाना है फैक्टोरियल का, आपसे ट्रेसिंग करवानी है ताकि आपकी आपको को रिकर्जन में कोई प्रॉब्लम ना। मुझे ऐसा लगता था कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को रिकर्जन में बहुत इश्यूज हैं, मैं वो इश्यूज दूर करना चाहता हूँ कि आपको एक जर्नलाइज रिकर्जन सॉल्व करना आ जाए और आप किसी भी चीज में परेशान ना हो। जब परेशान नहीं होंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जी सही बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया तुमने जो लिखा था, क्या नाम है फाइस, बताना भूल गया तुम्हारा एल्गोरिथम भी मैंने फॉलो किया है, बल्कि अपने वाले को हटा ही दिया, ठीक है फाइस, थैंक यू फॉर योर एल्गोरिथम। तो आप सब ने रिकर्जन को पकड़ लेना है, कभी कोई वायवा देने जाए, कभी कोई इंटरव्यू देने जाए और आपसे पूछे रिकर्जन कैसे काम करता है, शक्लें देख दूसरे की, आप कैसे लाइन में आपको समझाता हूँ रिकर्जन कैसे, अगर आपने उसको ऐसे समझा दी ना आपसे वो खुश हो जाएगा। ऐसे तो खुश अल्लाह को होना चाहे और अल्लाह राजी हो जाए सारे मसले हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त दुनियावी हिसाब से जो है वो साहब हमसे खुश हो जाएंगे कि भाई उसको तो रिकर्जन की बड़ी अच्छी पहचान। तो वी नीड लाइक दैट। इसके अंदर एक एग्जाम्पल है टावर ऑफ फनाई का, ठीक है। फिबोनाची सीरीज भी हम कर सकते हैं लेकिन ये क्योंकि थोड़ा टफ है तो मैं आज के लेक्चर में इसको शुरू नहीं करूंगा। अगर हमारी कोई मेकअप लगी ना, जो कि मिड में दो क्लासे मिस हुई थी, तो एक की मेकअप तो लगनी है ना, एक तो मिड के लिए काउंट होगी, एक की मेकअप लगेगी, तो मैं उसमें आपको ये दो इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम भी कराऊंगा रिकर्जन के, ताकि आपको प्रैक्टिस, वरना मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। फिबोनाची में आपको मैं इसको मिटाऊं, फिबोनाची में आपको हल्का सा नजर आ रहा होगा कि फिबोनाची में एक कॉल एन माइनस टू की है और एक कॉल एन माइनस वन की है और फिर उन दोनों को ऐड किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है, जब आप बनाएंगे तो उसकी ट्री बड़ी डिफरेंट किस्म की बनेगी, तो इसको हम एनालाइज करेंगे, इसके एल्गोरिथम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये बुक जैसा लिखा हुआ है अपने जैसा करके उसको लिख लेंगे अगर टाइम मिल गया तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो टावर ऑफ फनाई भी रिकर्जन की एग्जाम्पल है। रिकर्जन खुद जो है वो स्टैक की एग्जाम्पल है। जब भी आप रिकर्जन बनाते हैं स्टैक इस्तेमाल होता है और उसको हम नहीं इस्तेमाल करते, कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात, और उस रिकर्जन जो कंपाइलर इस्तेमाल करता है उसके अंदर की बात, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना यू आर द कोर प्रोग्रामर, आपको हर चीज की कोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, ना सोचो कि भाई चल चलाओ वाला काम हो जाए। अब आप कंपाइलर को अपनी आंख से देख रहे हैं कि कंपाइलर किस तरह काम करता है, ठीक है। यार थोड़ा सा मसरूफ हूँ, ये वीक दे दो मुझे, बहुत सारे काम की लोड है मेरे पर, मैं अभी ना कुछ डेडलाइंस हैं 24 25 बहुत सारे चीजों के एडमिनिस्ट्रेशन काम की, मतलब 31 से पहले पहले कर दूंगा मैं, कर दूंगा एक दो दिन बाद, एक दिन बैठना है मुझे, सिर्फ एक दिन चाहिए पूरी कॉपी चेक करने के, वो भी सर तो मंडे के बाद ही कर लिया था, ये बात करूं बकरीद के बाद ही कर दूं सर, हां बकरीद अच्छी गुजर जाए। नहीं नहीं अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह, अच्छे जान में लाओगे अच्छी तरीके से गुजरेगी। समझ में आ रहा है जो पढ़ रहा, नहीं आ रहा जी, कोई इंप्रूवमेंट हो रही है नॉलेज में या नहीं हो रही, ये सवाल है। ये चीजें जो सर प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिस करता हूं तो याद रहता है, प्रैक्टिस नहीं करता हूं तो नहीं, मतलब इंप्रूवमेंट इन सेंस में कि जो चीजें पढ़ रहे हैं वो नई लग रही है, न्यू कि भाई हां कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, नए अंदाज में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े लग रहे हो अपने आप को, फील कर रहे हो कि बड़े हो गए ये नहीं, क्योंकि हमारा बचपना नहीं खत्म होता ना, हम लोग कहते हैं अभी तो हम फंडामेंटल वाली दुनिया में, ये नहीं भाई, अब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, इज द कोर, यानी बीच का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो एग्जांपल्स तो भरमार है, लेकिन दो एग्जांपल हमारे कोर्स में थी, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने उसको स्किप की, बल्कि सारे दूसरी आईडीज में भी स्किप हो जाएंगे, ये फिबोनाची और टावर फनाई, तो ये मैं स्किप करके आगे पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह अगर टाइम मिला मेकअप में तो हम इसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ और बिल्कुल इसमें टावर ऑफ फनाई में तो आपको बनाना भी सिखाएगा। मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक लेके हम 11 o'clock हो रहा है, 11:20 पे ज्वाइन करते हैं और फिर आके हम क्यू को पढ़ते हैं। स्टैक में काफ़ी हमने मेहनत कर ली, देखो मैं आपको नटशेल बता दूँ स्टैक में क्या क्या पढ़ा हमने। स्टैक में पहले स्टैक का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर स्टैक की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी के एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है, और उसके ऊपर मैनेजमेंट लगाते हैं, और स्टैक के इस बेसिस पे दो एल्गोरिथम पढ़े पुश एंड पॉप के,
फिर उसके बाद स्टैक की एप्लीकेशन की तरफ आए। स्टैक की एप्लीकेशन में हमने स्टैक की एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन में डिस्कस की थी क्या पढ़ी थी हाँ प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इनफिक्स म्यूटेशंस पढ़ी और फिर दूसरी एग्जांपल स्टैक की हमने रिकर्जन पढ़ी। ये बड़ी बड़ी दो एग्जांपल्स हैं। अभी हमने किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन नहीं की, पढ़नी चाहिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा जब हमें क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा हूँ तो मैं स्टैक की भी निकाल दूंगा ताकि आपको ये परेशानी नहीं हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं स्टैक के एल्गोरिथम से। हर एल्गोरिथम जो आप लिख रहे हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करेगी, चाहे वो प्रीफिक्स की हो, पोस्टफिक्स की हो, रिकर्जन की हो, पुश की हो, पॉप की हो, हर एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है। हम अपने आप को बचा बचा के चल रहे होते हैं, पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाला भी, जो ना हमारे पास टाइम होता है इतना ज्यादा समर में कि मैं उसके सबकी एक एक चीज करवाऊँ, एक करा दूंगा, दो करा दूंगा, बाकी आप कर लेंगे उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको संभालेंगे कोर्स को। अगला टॉपिक हमारा क्यू का है, मैं क्यू की इंट्रोडक्शन और क्यू की जो एल्गोरिथम से वो कराऊंगा, तो जितना हो सके आज हम कर लेंगे। और उसके बाद अगला टारगेट हमारा ट्री है जो हम अगले क्लास में करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें टाइम मिल जाएगा, जो मैं चीज़ छोड़ रहा हूँ वो इंशाल्लाह बाद में बैक आके इसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह ने चाहा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे 11:20 तक, तो देखते हैं क्या होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।